रुख करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने खेलों को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल ठाकुर को घेरा है। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के खेलों पर दिए गए बयान पर अनुराग ठाकुर ने नशे के बढ़ावे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। हमीरपुर में आयोजित जनसभा के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सदा खेलों को कुचलने का काम करती रही है। इसका उदाहरण पिछले कुछ सालों में हिमाचल से कई बड़े आयोजन खेलों के कांग्रेस सरकार के समय छीन गए थे। साथ ही अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर भी देश की जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने खेलों को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल ठाकुर को घेरा है। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के खेलों पर दिए गए बयान पर अनुराग ठाकुर ने नशों को बढ़ाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। हमीरपुर में आयोजित जनसभा के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सदा खेलों को कुचलने का काम करती आई है और इसका उदाहरण पिछले कई सालों में हिमाचल से कई बड़े आयोजन खेलों के बारे में कांग्रेस सरकार ने अपने समय में छीने हैं। साथ अनुराग ने प्रियंका और राहुल गांधी पर भी देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। सदा खेलों को कुचलने का काम करती रही है और पिछले 5 वर्ष जहां एक और बड़े बड़े आयोजन कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश से छीने, वहीं पर फर्जी मुकदमे HPCA पर दर्ज किए, सारे केसेस हम जीते, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, अब भी शर्म नहीं आती है ऐसे आरोप लगाते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि उसने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का जो विकास रुकवाया उसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों विलंब हुआ, IIIT विलंब क्यों हुआ, मेडिकल कॉलेज क्यों विलंब हुए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों विलंब हुई, IIIT विलंब क्यों हुआ, टेक्निकल यूनिवर्सिटी विलंब क्यों हुआ, आखिरकार कांग्रेस ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों पर रोक क्यों लगा कर रखी, इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा और इसके जवाब से कांग्रेस भाग नहीं सकती। जनता ने कांग्रेस को उनका आईना विधानसभा के चुनाव में दिखाया, अब का चुनाव तो जनता मोदी के लिए लड़ रही है, कांग्रेस को जमानत बचानी मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर हमीरपुर जिला के सलासी में SC मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, वो OBC मोर्चा के सम्मेलन में पहुंचे थे। उनके साथ विधायक नरेंद्र ठाकुर, मंडलाध्यक्ष बलदेव धीमान, शासन पंचायत की प्रधान राखी जसवाल भी मौजूद रही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने कभी धर्म के साथ आतंकवाद को नहीं जोड़ा है और आतंकवादी का पक्ष भी कभी नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदू आतंकवाद का नाम देने का काम सोनिया और राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार में साबरमती और समझौता एक्सप्रेस के झूठे मुकदमे बने हैं। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अपने समय में जनता को गुमराह करने का ही काम किया है। उन्होंने कहा कि जितने मर्जी हिंदू मंदिरों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी घूम ले, लेकिन फिर भी जनता इन दोनों का असली चेहरा जान गई है और जिसका जवाब इन चुनावों में इन भाई बहन को देना होगा। उनके नेता कहते थे भूकंप आएगा, ना वो कभी देश में भूकंप आया और कांग्रेस में दम ही नहीं था। दम होता तो 26/11 के हमले के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक करवा देते। ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में दम था कि सर्जिकल स्ट्राइक भी कराई और एयर स्ट्राइक भी करवाई। अगर कोई कांग्रेस के लोगों ने पहली बार नहीं कहा, अगर हिंदू आतंकवाद का नाम किसी ने दिया और हिंदुओं को बदनाम करने का काम किसी ने किया तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने किया। इनकी सरकार के समय झूठे मुकदमे साबरमती एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस के बने और अब देश के सामने सच्चाई आई है कि कांग्रेस ने हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया। बाटला हाउस कांड में इंस्पेक्टर MC शर्मा की शहादत हुई तो कांग्रेस ने कहा फर्जी मुठभेड़ है और आतंकवादियों के परिवार के पास सोनिया गांधी रोने के लिए चली गई, लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा के घर नहीं गई। कांग्रेस अब कहती है कि राष्ट्रद्रोह के कानून खत्म कर देंगे, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में बदलाव कर देंगे। ये राष्ट्रद्रोहियों का बचाव और राष्ट्र प्रेमियों को नुकसान पहुंचाने की बात कांग्रेस करती है, इसका जवाब इनको देना होगा। इनके प्रदेश के नेता, इनके देश के नेता हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, हिंदुओं का समर्थन करने वालों को आतंकवादी कहते हैं। ये हिंदू आतंकवाद का नाम लेने वाली कांग्रेस पार्टी को देश माफ नहीं करेगा। जितने मर्जी मंदिर दोनों भाई बहन घूम ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनका असली चेहरा देश जानता है। राम मंदिर का निर्माण का विलंब करने के लिए
राहुल गांधी जी ने लगातार निर्देश कपिल सिब्बल जी को दिए और तारीख पे तारीख दिलाई और तभी राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा। और एक बात मैं कह दूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी धर्म के साथ आतंकवाद को नहीं जोड़ा। आतंकवादी आतंकवादी है, उसकी गोली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखकर नहीं किसी को लगती। इसलिए आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी पोजीशन भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी ली और अब भी जीरो टॉलरेंस हमारी आतंकवाद के खिलाफ है। हम अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी करेंगे और देश की राष्ट्र की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे।